Hi guys, it's me, your favorite AKR, and you are watching Akshay Kumar Rai YouTube channel. तो कैसे आप लोग? I hope आप समझते होंगे, बढ़िया होंगे, टकाटक होंगे. हम भी यहाँ मस्त हैं, बढ़िया हैं, टकाटक हैं. व्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है शाम के 6 बजे, क्योंकि मैं शूट से आया था, फिर अपना काम एडिट करा, फिर अपना व्लॉग एडिट करा, अपलोड करा. सो अब जाके टाइम मिला है व्लॉग स्टार्ट करने का. तो फाइनली अभी चाय वाय पी के मस्त एकदम फ्रेशन अप हो चुके हैं. सो अब आगे ही काम करते हैं. मैंने बहुत देर से ना प्रोजेक्ट लगा रखा था प्रॉक्सी बनने के लिए, तो वो प्रॉक्सी चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग अपना जो दूसरे काम है उन पर लग जाते हैं. तो गाइस, सिस्टम मैंने कर दिया है ऑफ, मैंने निकाल ली अपनी स्कूटी. इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, एक राउंड काट के आते हैं. और आपको ये बताओ, अभी हम जूडियो गए थे ना, तो मैंने वहाँ से एकदम मस्त स्लीपर ली थी. वो स्लीपर ना मेरी यार उसी प्रॉपर्टी पे रह गई जहाँ पे हम शूट कर रहे थे. तो कोशिश करते हैं, अगर मौका लगता है ना, अभी चक्कर मारता हूँ जूडियो पे भी और वहाँ से एक नई चप्पल लेके आता हूँ, बिकॉज बिना चप्पल के यार मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी. तो गाइस, मैं वापस आ तो गया घर, बट मैं आपसे बताऊँ, बिना नहाए में जूडियो स्टोर हो गया चप्पल देखने के लिए. और आज सेम चप्पल मिली नहीं, तो मैंने नहीं ली. बट मैं बिना नहाए जूडियो स्टोर के अंदर घुस गया और यार वो लोग भी क्या सोच रहे होंगे कि यार कैसा बंदा, कितना गंदा सा आया है. बट यार मैं नहाया नहीं पाया था क्योंकि तब बहुत लेट उठा था. तो अपना काम तो हो गया, एक काम करते हैं, अभी चलते हैं नहाने. सोने से पहले नहा लेते हैं क्योंकि तभी ये आलस हटेगा, नहीं तो ये आलस बार बार परेशान कर रहा है और मेरे को आलसी नहीं रहना. जल्दी चलते हैं, नहा के आते हैं. सो गाइस, नहा के मैं हो चुका एकदम फ्रेश. और क्या बताऊँ भाई, नहाने के बाद इतना बढ़िया फील हो रहा है ना, इतना सुकून लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि आधा 10-20 किलो मिट्टी मैंने अपने ऊपर से हटा दी हो, इतनी थकान हो रही. अब एकदम फ्रेश हो गया मामला. अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं फिर से. और लास्ट में ना आज हम लोग चंपी करवाते हैं, बहुत दिनों से चंपी मिस हो रही है, बाल ना एकदम थोड़े डैमेज से हो रहे हैं. तो आज मम्मी से बहुत अच्छी चंपी करवाते हैं. पहले मैं मम्मी से करवाऊंगा, फिर मैं मम्मी के करके दिखाऊंगा. और मैं बहुत अच्छी चंपी करता हूँ, तो अगर किसी को चंपी करवानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना. बाकी उसी के साथ अभी चलते हैं उस वाले रूम में, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बैठते हैं. और यार नहाने के बाद इतना मज़ा आ रहा है ना, क्या बताऊँ मैं, मज़ा आ गया. तो गाइस, फाइनली आ चुका है हमारे घर वाला खाना, भिंडी की सब्जी और रोटी. और ये सबसे बेस्ट खाना होता है भिंडी, मुझे तो बहुत पसंद है भिंडी खाना. सो गाइस, क्या आपको पता है क्या है? आई नो आप में से ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होगा, और मेरा भी फर्ज बनता है एक बार आपको याद दिलाने का, कि आज है कृष्ण जन्माष्टमी. और यार मतलब मैं तो कृष्ण जी को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि जो उनकी सेइंग्स हैं और मेरे एक सिमिलैरिटी है कि मैं हमेशा हंसता रहता हूँ उनके जैसे ही. तो उसका भी एक बहुत अच्छा रीज़न है, कभी और टाइम मिलेगा तो मैं अच्छे से बताऊँगा. बट हाँ यार, जन्माष्टमी की आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बधाई, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू. सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और अपना काम करो, काम करो, नाम करो. और इसी के साथ ना अभी बताता हूँ, मम्मी ने हमें दिए हैं पैसे. क्या लेके आने के लिए? कृष्णा जी के लिए लेके आने हैं वाइट मक्खन और मिश्री, क्योंकि उनको भूख लगता है ना रात को. तो चलो हम चलते हैं स्टोर पे और लेके आते हैं वाइट मक्खन कृष्णा जी के लिए. थोड़ा सा जब बच जाएगा तो हम भी पराठे में लगा के खा लेंगे, उनका भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा. तो गाइस, यहाँ पर इस शॉप में हमें जाना है. यहाँ पर हमें अपनी जरूरत के सारे सामान मिल जाता है, और घी, मक्खन, पनीर सब यहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग खुद ही प्रोड्यूस करते हैं. तो भाई लोग, मम्मी, नोनू और पापा तो तीनों गए मंदिर, क्योंकि आज कृष्णा जी को भोग लगाने जाना ना, आज जन्माष्टमी है. तो वो लोग तो गए मंदिर, मैं हूँ घर पे अकेला बोर हो रहा हूँ. तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा नैप लेता हूँ, सोता हूँ, और फिर मैं आगे की एडिटिंग शुरू करता हूँ. सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मैं दोबारा से उठ के एक्टिव हो चुका हूँ. और मैं आपको क्या बताऊँ, अभी हम वेट कर रहे हैं 12 बजने का, क्योंकि 12 बजे हमें कृष्णा जी को भोग लगाना है. तो मैं सिर्फ उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि बस 12 बजे हम लोग सब मिलके पूजा करें, सेलिब्रेट करें, भोग लगाएं, एंड देन फिर हम लोग अपना सोएं. सो गाइस, ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट बाद 12 बजेंगे और हम चलेंगे सीधा हमारे घर के अंदर, जो मंदिर हम लोगों ने बना रखा है उस मंदिर के अंदर. मम्मी और उन्होंने मिलके भोग लगाएंगे, हम पीछे से हाथ जोड़ लेंगे, कुछ दुआ मांग लेंगे कि भाई सब लोग अच्छे रहें, जितनी अपनी यूट्यूब फैमिली वो सब बढ़िया रहे, जो भी अपने ब्लॉग्स देखते हैं उस सब, उन सब लोगों की हेल्थ बनी रहे, उन सबके मम्मी पापा ठीक रहें, उन सबके काम बहुत बढ़िया चले. तो बस यही दुआ आप मेरे लिए भी करना और मैं आप लोगों के लिए करूँगा. हम सारे भाई मिलकर ना आपस में दूसरे दुआ करते रहेंगे, तो ऊपर वाला हम सबको ही ध्यान दे देगा और हम सबकी बात मान लेगा. तो गाइस, फाइनली हम लोग पूजा स्टार्ट करने वाले हैं, बच गए हैं 1200. आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, सब लोगों को जो लोग भी ब्लॉग देख रहे हैं. और इसी के साथ भाई, आप लोग भी अपने घर में सेलिब्रेट करो पूरी दिल से, खुशी से, बढ़िया से. सो गाइस, फाइनली बच गए 12, हम तो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, मतलब पूजा शुरू करने वाले हैं. तो मम्मी जी पूजा कर रही हैं, नूनू भी खड़ी, मैं भी खड़ा हूँ, पापा सो रहे हैं बिकॉज पापा की कल मॉर्निंग शिफ्ट है, तो उनको बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो उनको सोने देते हैं. हम लोग पूजा शुरू करते हैं. Yeah.
तो गाइस जैसा आप लोगों ने देखा, हमने पूजा भी कंप्लीट कर ली, भोग भी लगा दिया और सबने प्रेयर्स भी कर ली। सो आई होप कृष्णा जी हम पे नजर रखें और हमें ब्लेसिंग्स दें और हमारा ध्यान रखें और जो जो हम लोग चाहते हैं वो सब कुछ पूरा हो जाए। और सबसे मेन तो मेरे जो सबसे मेन ड्रीम है ना, ये तो वो एक तो वो है कि मेरे को घर के लिए कार लेनी है, ठीक है, कार लेनी है। और सेकंड जो अपना ड्रीम है वो अपना खुद का, अपने को ऑफिस खोलना है, खुद का प्रोडक्शन हाउस पूरा खोलना है। सो ये सबसे दो मेन ड्रीम है। सो आई होप कृष्णा जी थोड़ा सा हम पे भी कृपा बरसाएं और हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं जल्दी जल्दी पूरे करें। सो गाइज ये देखो एक और कान्हा जी हमारे अद्विक, ये मेकअप वेकअप करके तैयार बैठे हैं कान्हा जी बन के। अद्विक कैसे हो आप? नींद आ रही मेरे बेटे को? नींद आ रही, 12:30 हो गए, सो जाओ आप अद्विक, सो जाओ, गुड नाइट कान्हा जी। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1 और आपने अद्विक को देखा ही, वो कान्हा जी बन के लेटा हुआ मस्ती कर रहा है। सो अभी ये लोग बाहर गए थे तो अभी भी वीडियो कॉल में वही है, अब तक सोया नहीं है। तो दीदी ट्राई कर रही है उसको सुलाने की, बड़ो सोतो तो है नहीं, वो उआ करके आवाज़ कर रहा है और मम्मी से वीडियो कॉल में बात कर रहा है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, कर लो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दबा दो बेल आइकन। लास्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक, आप सब अच्छे रहें, आपकी फैमिली सब अच्छे रहें, ऑल द बेस्ट मेरी साइड से, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बाय गाइस।